हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एमएस कॉमर्स क्लासेस। इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इन फ्यू मोर डेज वी अपडेट सम ऑफ द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर द 11th कॉमर्स स्टूडेंट। जितेबले जड़े पिला प्रथम कॉमर्स पढ़ापी एडमिशन ने जब तो बस कॉमर्स पढ़ा आरंभ करे से कॉमर्स जो बेसिक टर्म को बुझेवा पड़ो। कॉमर्स पढ़ा गले प्रथम अकाउंटिंग कौन जानवा पड़ो, अकाउंटिंग कौन जानवाक किसी बेसिक टर्म को जानवा पड़ो। तो आम पूर्व वीडियो रे आम बेसिक टर्म रुड़े टर्म को आम एक्सप्लेनेशन करते तो आम आज आउ कि टर्म को एक्सप्लेन करवा। लास्ट क्लास डेबिट क्रेडिट सरी प्राय आज टर्म प्रथम आम देखा स्टॉक। तो जितेबले जन पिला कॉमर्स पढ़े से किसी टर्म गोटे बुझी था जथा कि आम टर्म गुड़ कौन थिला ना कैपिटल, जाके मुझे कही थी कैपिटल कौन ना कैपिटल हूँ जन प्रोप्राइटर जन ओनर जो अमाउंट जहाँ भी किसी इनभेस्ट करता कौटी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ गुटा इनभेस्ट करता है आम कैपिटल। तापर जानते ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स अर्थ कौन बुझी थे ना जितेबले जड़े ओनर तार पर्सनल खर्च व पर्सनल काम पाई बिजनेस तार किसी टाँ बिजनेस तार किसी अर्थ को से नहीं आसो तार किसी पर्सनल काम पाई ड्रॉइंग्स कही थे। ये सब पाठ पढ़ी प्रोप्राइटर कौन पढ़ी डेप्टर क्रेडिटर डेबिट क्रेडिट ये सब आम देखी सारी। जदि कहीं से भिडियो को मिस करेंगे तो मोर लाइब्रेरी को जाई से वीडियो को देखी पारे। तो प्रथम आम देखा आज वीडियो प्रथम टर्म गोटे स्टॉक। स्टॉक कौन बुझा स्टॉक माने कौन एग्जांपल देवी प्रथम तापर आम जी मीनिंग कौन देखूँ। जितेबले आम आम गोटे ऑर्गेनाइजेशन तैयारी ऑर्गेनाइजेशन रे सपोज आम मूल लक्ष्य हूँ कौन ना आम रबर मैन्युफैक्चरिंग करवा। सपोज आम गोटे फैक्ट्री अच्छी आम से कौन कर रबर मैन्युफैक्चरिंग करवा। तो रबर मैन्युफैक्चरिंग करने आम किसी कौन र मटेरियल को परचेज कले हाँ कि ना। तो जो र मटेरियल को परचेज कले तो गोटे वर्ष भितर आम बिजनेस रबर प्रोडक्शन जी र मटेरियल दरकार आम परचेज करदे तो वर्ष सर वर्ष सर सर जोटा बड़ी पड़ा तक आम कौन कर स्टॉक एबे बुझी पारना ना। देखो आउ थर मुझे कहूँ जितेबले आम आम गोटे इंडस्ट्री अच्छी आम काम हो कि आम रबर प्रोडक्शन करवा। तो रबर प्रोडक्शन आमको कंचा माल किसी किण पड़ो जो कंचा मालटा किणवा आम आम गोटे वर्ष एक कि जहाँ भी वर्ष किण कि मसे छस किण तो आम हिसाब करवा गोटे वर्ष को। अच्छा ये गोटे कथा कही रखुची जब गोटे जन पिला कॉमर्स पढ़ू से तार वर्ष आरंभ कौट देख साधारण तो आम कौन देखते आम वर्ष आरंभ के जानुरी एक वर्ष के 31st डिसेम्बर हाँ कि ना। किंतु कॉमर्स लांगुएज बिजनेस टर्म बिजनेस लांगुएज गोटे वर्ष आरंभ होते बड़े ना 1st एप्रिल वर्ष सरुच केत 31st मार्च ये सब पाठ हो कॉमर्स है। तो 1st एप्रिल गोटे वर्ष आरंभ हो वर्ष सरुच के 31st मार्च में। तो जितेबले आम कि जिनस कि र मेटेरियल आम किणिले वर्क इन प्रोग्रेस से र मेटेरियल को यूज कले यूज कलापर आम तर फिनिश्ड गुड्स जोटा कि कहते रबर प्रोडक्शन बाहर ये सब कार्य आम देखा 1st एप्रिल 31st मार्च भितर के प्रोडक्शन कौन बाहर के र मेटेरियल आम यूज कले। तो 31st मार्च बेलू 31st मार्च बेलू जी आम र मटेरियल बड़ी पड़ थोड़ा को आम कौन कह स्टॉक जी आम र मटेरियल बड़ी पड़ थोड़ा को आम कौन कह स्टॉक से लिखाई देखु लेखा देखु गोटे मिनिट द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। द गुड्स लेफ्ट
unsold at the end of the accounting period is called as a closing stock. And the stock may be raw material and work in progress. And the stocks may be raw material and work in progress. देखो जोटा के जो कथा मुझे कहूँ जिते बड़े आम कि गुड्स जोटा कि रॉ मटेरियल कौन होता ना रही बड़ी पड़ेगा लिखा है कौन गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कौट के ना फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च तो गोटे अकाउंटिंग पीरियड भितर जितक आम रॉ मटेरियल बळी गला सेटा को आम कौन स्टॉक बुझीगला एटा था प्रथम टर्म स्टॉक रुण स्टॉक को आम देखा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 31 मार्च बेल को जो स्टॉक टा रही जाऊँगी सेटा का हम कहते क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च रे जो स्टॉक टा हम रही जाऊँगी ताका हम कहते ना क्लोजिंग स्टॉक आउ जो फर्स्ट अप्रैल रे जो आम से स्टॉक टा कौन कहवा सेटा का हम कहवा कि ओपनिंग स्टॉक इज इट क्लियर देन द नेक्स्ट स्लाइड आसला कौन आसेट एटा गोटे इम्पोर्टेंट टर्म आसेट हो जोटा बहुत इम्पोर्टेंट टर्म तो केवल कमर्स आरंभ रे जो कि 11th क्लास रे स्टूडेंट रो यूटिलाइजेशन केवल आसेट नाई कमर्स पढ़ियो माने आसेट कोन ता कंपस जानिया पड़िबो तो आसेट रो तो यूटिलाइजेशन ता केवल कमर्स रो बेसिक 11th के रूम रे सब जगह रे तार आसेट कोन तार यूटिलाइजेशन अछि हला हम देखिबा आसेट रो मीनिंग कोन आसेट इज द इकोनॉमिक रिसोर्सेस आसेट इज द इकोनॉमिक रिसोर्सेस व्हिच आर ओन्ड बाय द बिजनेस and expected or expected to benefit for the future operation asset ro odia arthala kon sampatti jetha ami kon kohuchanti then asset is owned by the physical object it is a physical object and having a monetary value asset ro sampatti ta tar monetary value tha seta ami kohuchanti asset it is the economic resources of the business ro economic resources hoji kon na asset asset ko ami sadharan kohuchanti sampatti jete bele गोटे बिजनेस देखते आम बिजनेस गोटे मेटेरियल यूज कर गोटे मेटेरियल जो यूज कले मेटेरियल आम मॉनेटरी बेनिफिट आम बेनिफिट किनुच्च हाँ कि ना से आम इकोनोमी को डेवलप कर मेसीन तो ये गोटे मेसीन आम गोटे कौन आसेट जोटा कि कहे आसेट इज फिजिकल ऑब्जेक्ट हूँ टैंजिबल और इंटैंजिबल आसेट आम टैंजिबल इंटैंजिबलटा को आम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ा देखो प्रथम कौन कहते आसेट इज द फिजिकल ऑब्जेक्ट और टैंजिबल आसेट और टैंजिबल और द फिजिकल ऑब्जेक्ट हैविंग ए मॉनेटरी वैल्यू एसेट अर्थ है कौन एट फिजिकल ऑब्जेक्ट जो थी मॉनेटरी वैल्यू अच्छी एसेट आर द थिंग्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट एसेट जो बैलेंस शीट हम काढ़ ये सब आम टर्म गोटे देखिए बैलेंस शीट कौन देख मुझे जी टर्म गुट कहूँ तुमको जेहे तुम्हें 11th क्लास स्टूडेंट जो प्रथम तुम बर्तमान कमर्स पढ़ आरंभ कर तुमको कि टर्म गुड़ सब नुआ लगे आसेट कौन नुआ लगे स्टॉक कौन भी नुला तो एवं गोटे वार्ड कही बैलेंस से सब टर्म जा धीरे धीरे जी है तो प्रथम देखने कौन ना आसेट कौन इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द बिजनेस गोटे बिजनेस जहाँ भी किसी जिनस अच्छी मैं जहाँ भी संपत्ति अच्छी जोटा कि मॉनेटरी वैल्यू मैं मॉनेटरी वैल्यू अच्छे से आम कौन कहते हैं ना आसेट तो पुणी आम आसेट को डिवाइड कले के प्रकार दि प्रकार कौन कौन ना करंट आसेट एंड फिक्स्ड आसेट आसेट को आम डिवाइड कर दि भाग में गोटे करंट आसेट एंड अनदर एनर्जी फिक्स्ड एसेट है द नेक्स्ट स्लाइड कौन से देखा करंट एसेट आम करंट एसेट कौन क्या कह देख करंट एसेट आर द एसेट व्हिच आर द कन्वर्टेबल इनटू द कैश जो कथा को प्रथम कहते कौन ना आम एसेट को प्रथम देखने के भाग में विभक्त कले ना दि भाग एसेट को आम दि भाग में विभक्त कले गोटे रहा कि करंट एसेट आ गोटे आसला कि आम कौन ना फिक्स्ड एसेट है जो करंट एसेट आसला करंट एसेट रो अर्थ कौन ना गोटे आम संपत्ति जोटा कि आम कैश को कन्वर्टेबल करहब करंट एसेट आर दोज एसेट व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू द कैश मन को संपत्ति अच्छी संपत्ति ये संपत्ति आम संपत्ति कैश रे गोटे मॉनेटरी टर्म रे कन्वर्टेबल करहब कैश जो कन्वर्टेबल करेंगे करंट एसेट तो साधारण करंट एसेट देखा कौन ना यहाँ वेरी शॉर्ट पीरियड पे होता है तो करंट एसेटा वेरी शॉर्ट पीरियड पे होता है तो करंट एसेट आर जनरली प्रेजेंट विदिन वन ईयर तो गोटे वर्ष भितर आम जो संपत्ति किणा बिका करूँ जहाँ को मॉनेटरी टर्म यूज करूँ कौन कौन ना करंट एसेट हाँ कि ना बुझीगला तो करंट एसेट अर्थ कौन आस करंट एसेट आर दोज एसेट व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू द कैश
करंट आसेट हूँ एमती गोटे आसेट जोटा कैश को कन्वर्टेबल कर क्लीयर देन द करंट आसेट इज जनरली प्रेजेंट विदिन द वन इयर गोटे वर्ष भितर आम जो भी किसी आसेट को किणुंट बिकुं सब कौन कहते करेन्ट आसेट तो आसेट कैसे किनी पारे मतलब बिक भी पारे एक्जामपल सब करेन्ट आसेट कौन आसा ना दे कैश इन हैंड कैश एट बैंक स्टॉक्स और फिनिश्ड कोर्स डेप्टोर एक्सेट्रा देखो कैश इन हैंड गोटे वर्ष शेष आम पाखे आम जी इनभेस्ट करते पैसा वर्ष लास्ट कत थर्टी फर्स्ट मार्च तो थर्टी फर्स्ट मार्च बेलू आम पाखे केते टंका कैश अच्छी थर्टी फर्स्ट मार्च बेलू आम पाखे केते टंका कैश अच्छी से कैश इन हैंड से गोटे हूँ गोटे प्रकार करेन्ट आसेट कैश एट बैंक कहले कौन हम ना कैश एट बैंक टे वर्ष शेष को थर्टी फर्स्ट मार्च बेलू आम बैंक बालान्स के कैश एट बैंक से गोटे करेन्ट आसेट देन स्टॉक सब फिनिश्ड कोर्स जो कथा कहते कि आम स्टॉक कथा कहते टी आगु स्टॉक बोले गोटे टर्म था जो स्टॉक टर्म टा वर्ष शेष फिनिश्ड कोर्स टाइम मैं लास्ट मोमेंट थर्टी फर्स्ट मार्च आम स्टॉक के बोली पड़ा ताको आम कौन कह करेन्ट आसेट एक्जामपल डेप्टर भी टर्म टर्म गोटे डेप्टर क्रेडिटर टर्म भी मतलब कही जदि भी से भिडियो किए मिस करते प्रथम से भिडियो को देख देखा पर भिडियो को देखो कहीं गोटे तुम इंपोर्टेंट टॉपिक तो इलेवेन्थ कमर्स बेस मुझ प्राय तो दुई रु तीनो भिडियो अपलोड कर सारी तो सब भिडियो को देखी तो देखने तो नेक्स्ट टर्म आसा कौन ना फिक्सड आसेट ये कौन करेन्ट आसेट आसा फिक्सड आसेट अच्छा बुझीपाल तो आसेट कौन बुझीपाल अच्छा सरी प्राय बुझे लिखे भूल कर दे हाँ ठीक अच्छे करेन्ट आसेट अर्थ है कि कैश को कन्वर्ट कर फिक्स आसेट कौन आसा ना फिक्सड आसेट आर दोज आसेट व्हिच हैव बीन परचेज फॉर द लॉन्ग टर्म यूज बाय द एंटरप्राइज जो फिक्सड आसेट ता कह गए फिक्सड आसेट कौन ना लॉन्ग टर्म यूज आम यूज कर अच्छा देखो गोटे प्रीवियस स्लाइड को करेन्ट आसेट तो करेन्ट आसेट काम कौन था ना करेन्ट आसेट टाक कैश को कन्वर्टेबल कर विदिन वन इयर तार प्रेजेंटेशन करहब विदिन वन इयर जो जो खर्च भी होदिन वन इयर जो आसेट को आम किणुंत बिकुं कौन ना करेन्ट आसेट बट फिक्स आसेट कौन दि फिक्स आसेट आर दोज आसेट व्हिच हैव बीन परचेज फॉर द लॉन्ग टर्म यूज बाय द एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म यूज पाई जो आसेट को आम यूज करूँ कौन फिक्स आसेट एंड द बेनिफिट ऑफ द फिक्स आसेट इज द लॉन्ग टर्म पीरियड लॉन्ग टर्म पीरियड रे जो बेनिफिट मिलूँ से कौट मिल जाए ओनली फिक्स आसेट फिक्स आसेट अगेन क्लासिफाइड टू कैटेगरी अच्छा आम बुझीपाल कि ना मत देख प्रथम आसेट कौन ना गोटे संपत्ति इट इज द इकोनोमिकल रिसोर्सेस आसेट अर्थ है इट इज द इकोनोमिकल रिसोर्सेस व्हिच इज द मॉनेटरी वैल्यू तो आसेट को डिवाइड करले केते भाग रे दी भाग रे वन इज कौन करेन्ट आसेट एनदर वन इज फिक्स्ड आसेट तो करेन्ट आसेट को देखिले कौन विदिन वन इयर रे जो आसेट को आम किणुंत कि बिकुं कैश रे कन्वर्टेबल कर कौन कहते ना आम करेन्ट आसेट फिक्स्ड आसेट कौन ना लॉन्ग टर्म बेनिफिट पाई आम बिजनेस रो जो भी आसेट को आम परचेस करूँ कहते फिक्स्ड आसेट देख शॉर्ट टर्म बा जो करूँ करेन्ट आसेट तो करेन्ट आसेट रही एग्जांपल देती कैश इन हैंड कैश एट बैंक एंड डेप्टर क्लोजिंग स्टॉक जो स्टॉक सब फिनिश्ड कर सब कौन थी एग्जांपल कार ना करेन्ट आसेट तो फिक्स्ड आसेट कौन देखा लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो यूज करें से कौन ना लॉन्ग टर्म पीरियड पे मध्य को यूज करछन तो बेनिफिट आसे लॉन्ग टर्म पे एंड यूज भी करछन लॉन्ग टर्म पे तार एग्जांपल कोन आसीबा लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीन अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग कोन जमी हो किबा घर हो प्लांट गुडे एस्टैब्लिशमेंट करले मशीनरी किछ किनले देखो तो हमर एग्जांपल लबा हमें गुडे बिजनेस स्टार्ट करिछ जो बिजनेस रे हो जे कि हमें हमर पेन मैन्युफैक्चरिंग करबा तो हमर बिजनेस रो काम तो आम बिजनेस हूँ कौन पेन मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करवा अच्छा तो पेन मैन्युफैक्चरिंग करापे आम कौन दरकार गोटे प्लेस दरकार ये सुनु गोटे प्लेस है प्लेस कौन कराया खाली तो प्लेस पेन मैन्युफैक्चरिंग हम कि तो प्लेस बिल्डिंग या पड़ो बुझे कि नहीं तो बिल्डिंग जो या कराला बिल्डिंग भितर मेसीनरी बसला तो मेसीनरी बसला कौन र मेटेरियल किणाला र मेटेरियल किणला आम कौन फिनिश गुड्स प्रडक्शन फिनिश गुड्स कले तो से रॉ मटेरियल यूज करके मैं पैन को प्रोडक्शन कर देन द पैन को मैं सप्लाई कर अच्छा ये जो प्रोसेस टा मैं कहली ये जो प्रोसेस भीतर हमें देखो जमीटा किनले सेटा कोन हमें किनुचंत कि मासे पय कि दि मास पय कि छ मास पय से जमी किनुचंत कि किनु ना दी बिल्डिंग तैयार करले को मासे कि दि मास पर तार यूज कर बिल्डिंग ता भांगी दोगे करबा नै मशीनरी किनले तब हम को मशीनरी में तो 15 दिन कि मासे पय किनु ना दी तो मशीनरी हमें लॉन्ग टर्म यूज पय किनु किंतु ये जो कहितली मु टर्म कि जो वायर पुरै दिला भीतर
कि ना मैं रॉ मटेरियल को यूज करे अच्छा देखो रॉ मटेरियल जो किनिले जो रॉ मटेरियल ला मैं किनिले केस देले हला कि जहां भी केस लागले से ई जो रॉ मटेरियल किनिले रॉ मटेरियल को हला हमरो गुटे करंट एसेट ताको फिनिश्ड कुस्ट परिणत कला परे जो पेनटा मिलला हला से सब चलला कुटे करंट एसेट भितरे तो किंतु हम जो रहिला बिल्डिंग हो लैंड एंड लैंड हो कि मशीनरी हो ये सब गुडी होची कोनो फिक्स्ड एसेट रे एग्जांपल आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ करंट एसेट इन द फिक्स्ड एसेट देन आ देखिबा हम द फिक्स्ड एसेट को मध्ये दी भाग रे विभक्त कराय छी गुटा से टैंजिबल फिक्स्ड एसेट आउट असला इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट अच्छा टैंजिबल फिक्स्ड एसेट कहि देली कि लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी जहां भी मु कहिली देखो फिक्स्ड एसेट को पण डिवाइड करले केते भाग रे दी भाग रे गुटा रासला टैंजिबल फिक्स्ड एसेट अनदर वन इज इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट देखो तो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट माने कोन असला हमरो ना टैंजिबल फिक्स्ड एसेट आर दो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट आर दो एसेट व्हिच आर गुटे मिनिट एटा लिभाइन उतला से तुमको डाउट हो जा अच्छा ठीक अछि देखिबा द टैंजिबल फिक्स्ड एसेट आर दो फिक्स्ड एसेट व्हिच कैन बी टच्ड एंड सीन अच्छा हम एम पी एसेट अछि जोटा में छुई पारिबा देखि पारिबा ताको को कहबा ना टैंजिबल फिक्स्ड एसेट मु किछि आगरो टिके समय आगरो कहितलि उ ई वर्ड टैंजिबल इनटैंजिबल ये सुनु तो टैंजिबल अर्थ कोन छला द टैंजिबल फिक्स्ड एसेट आर रेफर्स टू द दो फिक्स्ड एसेट व्हिच कैन बी टच्ड एंड सीन जो फिक्स्ड एसेट गुडी को हम छुई पारु छंती देखि पारु छंती फील कर पर छंती सब गम कोन कहबा टैंजिबल फिक्स्ड एसेट हमें तको से एसेट को छुई पाले देखि पाले एग्जांपल कोन आछी हमर सेम लैंड एंड अच्छा लैंड को छुई पर छंती देखि पारु छंती गोट मोबाइल फोन ताको देखि पारु छुई पर छंती व्हीकल ताको भी देखि पारु छंती छुई पर छंती लैपटॉप ताको भी देखि पारु छंती छुई पर छंती तेगुडा कोन आछी ना टैंजिबल फिक्स्ड एसेट रो एग्जांपल हला तो देखिबे तापर इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट कोन आछी हमरो ना इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट हला कोन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट बाय इंटेंजिबल एसेट्स आर रेफर्स टू दोज एसेट व्हिच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन तो टैंजिबल अर्थ कोन जानले ना जिंसरा हम छुई पर तो देखि पर बट इंटेंजिबल तर पूरा सेपरेट है पर अपोजिट गला कोन ना सा हम से एसेट को ना देखि परबा ना छुई परबा हम केवल तो फील करि परबा के एडा एसेट बोली बुझियोला टैंजिबल माने कोन हम त छुई परबा देखि परबा भाबी परबा किंतु इंटेंजिबल हम ओनली भाबीबा हम फील करबा कि हम एडा एसेट बोली केमिति द इंटेंजिबल एसेट रो एग्जांपल देले ओटे गुडविल पेटेंट एंड कॉपीराइट देखंतु गुडे कंपनी तर गुडविल माने कोन ई सब टर्म देखो एडी जो आसला गुडविल ओ पेटेंट रो कॉपीराइट एगो गुडे एग्जांपल तो हमें नेक्स्ट वीडियो देखिबा नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करबा सेत हमें जानिबे टर्म गुडे मीनिंग गुडे कोन आसुला तो गुडविल होचो गुडे एग्जांपल कारण इंटेंजिबल एसेट रो कॉपीराइट मधे गुडे इंटेंजिबल एसेट रो एग्जांपल एटा माने गुडे गुडे फिक्स्ड एसेट माने आमे गुडविल ला गुडे सुनाम गुडे कंपनी रो सुनाम से गुडे ब्रांड जोटा क्रिएट कर जी सेटा को आमे कोन देखि पाछन कि ना देखि पाना ते ओनली तक आमे फील कर पाछन ना हो एटा होची तार गुडे ब्रांड रिलायंस जियो एग्जांपल देखो रिलायंस जियो रिलायंस जियो तर रिलायंस जियो रिलायंस नाटा होची गुडे जियो बा जियोटा होची गुडे ब्रांड काई आमे कोन जियोटा जो कहले जियो हम कोन जियो कोन देखछन कि देखो ना हम से जियो सिम पे यूटिलाइज करछन कि जियो हॉटस्पॉट के यूटिलाइज करछन कि जियो मोबाइल टी यूज करछन बट जियो को कोन किछ यूज कर पछन सेटा को एटा सा तार गुडे सुना म ना हेति के सुना म गुडे मे रहि कि जियो होची गुडे ब्रांड बोले हला ये सब थिला आज रे वीडियो रे हम देखले कोन ना मात्र दुईटी जिंस देखले गुटे ला स्टॉक आ गुटे ला एसेट तो आई मु भाबु जी तुमे माने स्टॉक रो अर्थ कोन भलसे बुझी पारिथिबो देन एसेट रो अर्थ कोन मध्ये भलसे बुझी पारतो एसेट भितर हम देखले टाइप्स ऑफ एसेट जेडा के हमरा आसला फिक्स्ड एसेट हो करंट एसेट हो तो करंट एसेट को कोन बुझिले फिक्स्ड एसेट भी कोन बुझिले फिक्स्ड एसेट केते भाग रे विभक्त करथिन ताकि मध्ये बुझिले भाबु जी तुमे माने वीडियो टी को एन्जॉय करथिबो जदी वीडियो टी भलो लागैथिबो निजे देखिबा सहित निजे संग मान को शेयर करंतु एवं लाइक सब्सक्राइब करबो को भूलंतु नै तो नेक्स्ट वीडियो देखिबो खेले बेल आइटम को प्रेस करंतु धन्यवाद।